तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संधू एग्रो फार्म में। तो आज हम आए हैं मोदी नगर अमर भाई के यहाँ पे, और इन्होंने बहुत अच्छे अमेरिकन डोबरमैन और यूरोपियन डोबरमैन दोनों ही पाल रखे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो डोबरमैन का मिथ बना हुआ है कि ये ज़्यादा अग्रेसिव है, घर के लिए ठीक नहीं है, ये फार्म के लिए ठीक है और घर पर आप इसे नहीं पाल सकते, तो उस मिथ को आज हम क्लियर करेंगे। क्योंकि हम ये ओनर हैं, इनसे हम पूरा रिव्यू लेंगे डोबरमैन का, जो कि अमेरिकन भी पाल रहे हैं और यूरोपियन भी पाल रहे हैं। तो भाई सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। दोस्तों मेरा नाम अमर है और मेरा भी यूट्यूब के ऊपर चैनल है ऑटोमोबाइल्स का। अगर आप शायद ना जानते हो तो मैं पहले तो आपको इंट्रोडक्शन इसी हिसाब से दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। और मेरा नाम अमर है, मोदी नगर में मैं रहता हूँ। दो मेरे पास अमेरिकन डोबरमैन है और एक मेरी बुआ जी के पास है जो कि एक यूरोपियन डोबरमैन है ब्लैक कलर का। ये जो मेरे पास दोनों बच्चे हैं ये ब्राउन कलर के हैं। और एक खास बात मैं जो आपको बता दूं, ये दोनों सेम ही लीटर के हैं और दोनों मेल हैं मेरे पास जी। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा जो मिथ है ना वो ये है कि डोबरमैन तो आप पालते हो जी, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जोड़ा पालते हैं। हाँ जी। एक फीमेल रख लेते हैं, एक मेल रख लेते हैं। हाँ जी। अब ये चैलेंजिंग था हमारे लिए जी कि दो मेल रखना एक साथ, वो भी एक ही लीटर के जी। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जब दो सेम एज के बच्चे और एक ही लीटर के होते हैं, दोनों के सेम गुण होते हैं जी, कहना वो कम मानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं मतलब कहते हैं। तो ये चैलेंजिंग था, हमने चैलेंज लिया जी। और आके एक बार अगर किसी ने डोबरमैन पाल लिया हाँ जी, तो फिर वो डाई हार्ड फैन हो जाते हैं डोबरमैन के। अच्छा, जैसे और अदर ऑप्शन भी हैं, रॉटवाइलर है, जर्मन शेफर्ड है, तो आपने मतलब उनको प्रायोरिटी ना देके इसे क्यों पाला? मतलब ये है ना, आप ये मान लो कि जैसे हम बचपन से देखते आ रहे थे कि हमारे घर में डोबरमैन है। हाँ जी। तो एक तो इमेज बन जाती है। हाँ जी। ठीक है, अब दूसरा खुद की समझदारी मान लो आप। हाँ जी। कि जैसे हमारा जो घर है वो 1500 गज में है जी। अब हमारे पास अच्छा खासा स्पेस है। हाँ जी। जॉइंट फैमिली है हमारी। हाँ जी। 10 मेंबर है हम लोग। हाँ जी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डोबरमैन पालने के हिसाब से हमारे पास सफिशियंट तो स्पेस है। अच्छा। और घर में भी सब लोग ऐसे हैं जो डॉग से प्यार करते हैं, सब टाइम भी देते हैं। तो मतलब ये था कि रॉटवाइलर का और जर्मन शेफर्ड का हमने कभी सोचा ही नहीं। मतलब हमें खुद ऐसी ब्रीड पसंद है जो रफ टफ ब्रीड हो। हाँ जी। ये नहीं है कि मतलब बाल टूट रहे हैं बार बार, मतलब ये नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है, पसंद है, बट अपनी खुद की एक थिंकिंग है। तो जैसे आपने बोला आपका 1500 गज का घर है ये, ठीक है, और मैं रहता हूँ फ्लैट में, ठीक है, बालकनी है मेरे पास, जगह के नाम पे सिर्फ बालकनी है, 3 रूम है, बेडरूम किचन विचन जो होता है, 3 BHK में मैं रहता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या इसे फ्लैट में पाल सकता हूँ? पाल सकते हो। अच्छा, उसे मैं जस्टिफाई करता हूँ। देखो जी, आप फ्लैट में रहो चाहे 50 गज के में जी, कुत्ते को इस बात से मतलब नहीं है जी कि वो फ्लैट में रह रहा है, उसे इस बात से मतलब है कि सुबह और शाम उसको टाइम मिले, कि स्पेस मिले जी। जो लोग सोसाइटीज में रह रहे हैं और फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ पे भी गार्डन्स हैं, बड़े बड़े पार्क हैं और खुला स्पेस सब जगह अवेलेबल है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में भी जी। तो जितने भी लोग अगर घर में पाल रहे हैं कुत्ता, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से उन्हें लेके जाना चाहिए उसको बाहर जी। तो अमर भाई अब बात करते हैं इनकी डाइट की। जैसे कि इनकी स्किन और इनका कोट देख के मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी क्वालिटी में आपके ये अमेरिकन डोबरमैन है। और आप इन्हें डाइट में क्या क्या देते हैं? देखो डाइट है ना, जब लेके आए थे ना हम इनको, तब ये 31 दिन के थे, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग इनकी सेरेलैक्स ही करी थी। अच्छा। 5-5 टाइम तक भी हमने इनको दिया एक अच्छे मेंटेन में। फिर जब थोड़े से दिन हुए, यानी कि हमने 1 हफ्ता तक इनको दिया सेरेलैक, 1 हफ्ते बाद हमें लगा, मतलब ये ना आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर किसी ने ये बोल दिया ना कि आप 1 महीने तक सेरेलैक ही पिलाओ, ऐसे नहीं चलता। आप खुद उसको देखो, परखो कि उसको भूख कितनी लग रही है, उसकी भूख आप कितनी मिटा पा रहे हो। तो फिर हमने 1 हफ्ते के आसपास इनको सेरेलैक दिया और उसके बाद स्टार्टर शुरू करा था इनका। तो मतलब ये नहीं है कि कहीं पे भी किसी किताब में लिखा है कि या किसी ने बता दिया 1 महीना स्टार्टर चलाओ या 10 महीने फिर आप इनको मतलब कुछ और दो, ऐसा नहीं, आप खुद देखो। हमारे घर में पहले गाय भैंस भी रही हैं, अभी भी रहती हैं, घर वालों को सब पता होती है कि जीव हमने अगर पाल रखा है, चाहे वो जीव कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना। तो इसमें ये नहीं है कि हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ इनको पालने का 6 महीने का, एक्सपीरियंस तो घर वालों का है, पीछे से दादा दादियों तक का जुड़ा पड़ा है जी, जी। पहले से जीव पालते आ रहे हैं हम लोग। तो कुल मिला के ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये काट लेते हैं या फिर छटियाए दिमाग के रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डोबरमैन का जो नाम खराब है, और ये पुराने लोगों ने ही करा हुआ है, ऐसा तो नहीं आज की जनरेशन बोल रही है, पुरानी जनरेशन ही बोलती है कि डोबरमैन जो कुत्ता है वो ठीक नहीं है घर के हिसाब से। देखो मैं अभी, मेरा खुद का कैनल है, ठीक है, मेरे पास टोटल 10 कुत्ते हैं, मैं ये चीज़ मैं मानता हूँ। हाँ, एग्रेसिव में एज़ कम्पेयर टू आपका ये लैब्रा और ये जो अपना GSD है, इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। और बात रही जैसे मैं फ्लैट की, मैंने जिक्र किया, तो आपको नहीं लगता जैसे हम फ्लैट में इसे पालेंगे तो कुछ
दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे मतलब किसी और को किसी का हाथ भर लिया किसी, मतलब भाई सोसाइटी में एक बंदे तो हम रह नहीं रहे, एक फैमिली के अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, हम घुमान लेके गलती से खुल गया और किसी का हाथ भर लिया, फिर वो एक केस हो, लड़ो उसे। देखो मेरा कहना तो ये है एग्रेशन की, अगर आपने जैसे बात करी ना, तो एग्रेशन का जवाब ये है कि हमारे यहाँ 10 मेंबर हैं जी, और ये पूरा टाइम, मतलब मैं ये कहूँगा इनका डेली का जो खेलने का टाइम ड्यूरेशन है ना वो 3 से 4 घंटे है जी, बिल्कुल चाहिए ठीक है, उसके बावजूद भी इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ऐसी है एग्रेशन की कि अगर आप इनको 10 घंटे भी खुला रखोगे ना दिन में, ये अपना काम तब भी पूरा करेंगे। अच्छा, मतलब काम कैसे पूरा करेंगे कि अगर कोई अनजान बंदा आ जाए तो ये बता देंगे आपको बार्क करके कि कोई आया है। रही बात अटैक करने की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे अटैक करना सिखाया है या नहीं सिखाया। तो जैसे आपके पास ये अमेरिकन है और यूरोपियन भी हैं आपकी बुआ जी के पास, तो ये स्टड के लिए, जैसे तो चलो बच्चे हैं अभी ठीक है, लेकिन बड़े होंगे तो स्टड के लिए फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराएंगे? देखो जो चीज़ नेचुरल है ना, मेरा मानना ये है कि नेचुरल चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल है ना, तो जो इनका एक टाइम आएगा जब इनकी एज होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो फिर एग्रेशन जरूर आएगा और बदतमीजी भी ये जरूर करेंगे, मैं क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ ये बात है ना। तो जब इनकी जैसे अभी है ना जो आने वाले 4-5 दिन है उसमें इनकी 7 महीने की एज पूरी हो जाएगी, तो लगभग और 7 महीने बाद ये पूरे तैयार हो जाएंगे, और मेरे हिसाब से जो इनका नेचुरल एक टाइम रहेगा तब इनको वो चीज भी हम प्रोवाइड करवा देंगे जी। तो चलिए अब यूरोपियन डोरमैन को भी देखते हैं, उनको उनके बारे में भी आपसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि क्या है मैंने वीडियो डाली थी अभी थोड़े दिन पहले, उसमें आपके बच्चे थे ये, तो अब मैं मतलब वो इन्फॉर्मेशन कम थी ठीक है, 4 मिनट की वीडियो में आप पूरी वर्सेस में नहीं बता सकते कि भाई अमेरिकन और यूरोपियन में फ़र्क क्या है, आज सामने है प्रैक्टिकली हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्क क्या है। खैर एक दो चीज़ मैं इसमें अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा, और सिर्फ डोबरमैन के लिए नहीं, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनके पास कोई भी डॉग है और अगर वो नया बच्चा लेके आते हैं घर पे, तो एक मिनट में ही मैं बता दूंगा, मेरा मानना ये है कि आप अपने कुत्ते को अगर लेके आ रहे हो या छोटा पप्पी है जी, उसको जब बाहर लेके जाओ जी, तो एक लिमिटेशन इस बात की हो कि वहाँ पे बाहर जो है हमारे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनका आवागमन नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनका आवागमन इसलिए नहीं होना चाहिए, हमारे स्ट्रीट डॉग को क्या होता है कि जब बीमार होते हैं वो अपना इलाज खुद करते हैं ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे वो वोमिट करके करें घास खा के, चाहे वो कुछ और भी करें। होता क्या है कि जब हम अपने कुत्ते को बाहर लेके जाते हैं जी, इनके नेचर में ये सूंघ के चलते हैं हाँ जी। सबसे ज़्यादा बीमारी अगर किसी का भी पप्पी या डॉग पकड़ेगा तो वो बाहर के अगर स्ट्रीट डॉग के बीमारी के उसमें आएगा। इतनी बड़ी बीमारियां डिस्टेंपर हो गई, पारो वायरस हो गया, वो ऐसे वो बाहर से कैच करता है डॉग। हाँ, तो मतलब मैं तो यही कहूँगा जितने भी मतलब डॉग लवर हैं जी, वो चाहे पप्पी रखें चाहे डॉग रखें, उसे घुमाएं फिराएं, खूब एक्सरसाइज करवाएं, बस ध्यान इस बात का रखें कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और इन सब चीज़ों से दूर रखें उसे। वैसे कोई भी फ्लैट में पाल सकता है। और चलिए अब आपको चलते हैं और यूरोपियन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको हम दिखाते हैं अपना यूरोपियन डोबरमैन जो कि 3 साल का है। तो इसका नाम मैक्स है, ये KCI रजिस्टर्ड है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी हेल्थ है। और एनर्जी का तो इसका खैर कोई जवाब ही नहीं है। जब एक डोबरमैन जो है वो अपना फुल जवान हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तब उसकी एनर्जी को चैलेंज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जो मैक्स को है हम डेली सुबह 2 घंटा और 2 घंटा शाम को लेके जाते हैं ग्राउंड में खिलाने के लिए। और फिलहाल अभी हम आपको इसी क्लिप में दिखा भी देंगे, एक छोटा सा हम इसके लिए नया फ्रेंड भी लेकर आए हैं जो कि जर्मन शेफर्ड है लॉन्ग कोट में, उसका नाम शेरा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं ये मैक्स हमारे पास पिछले 3 साल से है मेरी बुआ जी के घर पर। और अगर कोई अननोन पर्सन भी आता है तो ये एक दो बार बार्क करता है, उसके बाद इसे जल्दी ही पता चल जाता है। मतलब मेन मुद्दा ये है इस वीडियो में इसको दिखाने का कि ये यूरोपियन डोबरमैन है और टेम्परामेंट इसका 0 है। मतलब कभी तो हम ये सोचते हैं कि भाई इसके रेबीज़ के इंजेक्शन जो हैं वो भी लगवाने बंद कर दें। हमने काफ़ी ट्राई कर लिया लेकिन ये आज तक किसी को कुछ नहीं कहता है, ना किसी बच्चे को इसने आज तक छेड़ा। फुल फ्रेंडली है, मतलब फुल फ्रेंडली है। मतलब एक मैं इंसिडेंट आपको ऐसा शेयर करना चाहूँगा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना हमारे छोटे पप्पी, एक बार एक जख्मी पिल्ला था और वो गेट के बाहर था। मतलब किस्सा कुछ ऐसा आया फिल्मी टाइप, पर ये सच में हुआ था। इसने उसको पंजे से अंदर खींच लिया था और पूरी रात अपने पास सुलाया गैलरी में। तो मतलब मैक्स का तो मतलब जवाब ही नहीं है। मैं ये बोलूंगा जो मेरा अमेरिकन है ना उनसे भी ज्यादा अच्छा इसका टेम्परामेंट है। ये यूरोपियन प्योर है, इसकी जो मदर थी अच्छा। वो तो अमेरिकन थी हाँ। और जो फादर था वो प्योर यूरोपियन था। ब्रॉड है ज्यादा, इसके फादर के लक्षण आए हैं। हाँ मतलब इसकी मदर इसकी अमेरिकन थी और फादर जो थे वो यूरोपियन था इसका। बट अगर मैं इसकी फिटनेस की बात करूं जी, तो इसकी 30 इंच प्लस इसकी हाइट है जी, और जो बॉडी वेट है वो भी अराउंड 55 kg। सारे लक्षण यूरोपियन वाले हैं, मैंने देख लिया।
और तो मतलब ये स्टडी के लिए ओपन है? ये स्टडी के लिए हमेशा ओपन है। अच्छा, लोकेशन अपनी? लोकेशन हमारी मोदी नगर की है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और अगर बात करूँ इसकी डाइट की, तो ये घर का सब कुछ खाता है, मतलब घर की जो हमारी इसकी डाइट है, मतलब ये नहीं है कि नमक मिर्च होते हैं उसके अंदर, नमक मिर्च ये नहीं होती, हल्दी वगैरह, पर हम इसको घर का खाना काफी खिलाते हैं, फीड भी खिलाते हैं, बट मैं ये कहूंगा 60% या 70% ये घर का खाना खाता है। अच्छा। और ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, ऐसा नहीं है 1993 से हम डोबरमैन रख रहे हैं। ये अब तक इसने नॉन वेज खाना खाया ही नहीं, जो है ये प्योर अपने घर की रोटी से पला हुआ कुत्ता है, आप देख सकते हो। और हेल्थ में मतलब ये नहीं है बीमार नहीं पड़ता कभी, बस एक चीज तो है जो डोबरमैन की है, सर्दियों में ये ऐसे कांपता है जैसे कोई बूढ़ा आदमी होता है ना, वो कांपता है, मतलब क्योंकि शॉर्ट कोट है तो घर सर्दी ज्यादा लगती है इसको, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कंक्लूजन यही है कि डोबरमैन आप पाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जगह चाहिए। जगह चाहिए, और अगर आप मतलब ये भी है कि अगर आप 100 गज के फ्लैट में भी रह रहे हो या 50 गज में, उससे मतलब नहीं है, मतलब है उसकी टाइमिंग से। टाइमिंग घुमाना जरूरी है। हाँ, मतलब आपको इनके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, जगह मैटर नहीं करती, मैटर करता है टाइम। स्टड का आपने कोई प्राइस सोचा है या फिर क्या सिस्टम रहेगा स्टड का आपका? इसका स्टड का हम बदले में बच्चा लेंगे। अच्छा, एक बच्चा लोगे आप? उसका रीजन ये है क्योंकि इसका टेम्परामेंट जीरो है और हम चाहते हैं कि बच्चा भी ऐसा सही, ऐसा सही हाँ, अपने फादर पर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, बच्चा ही चाहते हैं आप, कोई पेमेंट वगैरह नहीं? नहीं नहीं, अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, ठीक है, अब जैसे मिथ है कि वही काट लेता फाड़ देता है, नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे बताया ना जैसे कि स्ट्रीट हमारे पप्पी हैं, ये उनके साथ भी खेलता है, कभी ये मतलब भेदभाव नहीं करता, पालने के ऊपर है सब कुछ। तो ये थे हमारे साथ अमर भाई, जिन्होंने हमें डोबरमैन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने अच्छे स्टड दिखाए डोबरमैन के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन दे के जाएगी, अगर दे के गई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।